हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सब कुछ भूल रहे हैं तो क्या करें है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत इतने मैसेज आते हैं मेरे पास मेरा पूरा ईमेल भरा पड़ा है व्हाट्सएप भरा पड़ा है है ना कि सर सब कुछ बोलते जा रहे हैं क्या करें सर बहुत परेशानी महसूस हो रही है एंड एंडसॉन so तो मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ आप क्यों भूल रहे हो पता है क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में टेंशन आ रही है कि मैं भूल जाऊंगा इसलिए तुम भूलते जा रहे हो तो इस तरह से मत सोचो नेगेटिव मत सोचो और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो ठीक है मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं बार बार एक एक जनरल वीडियो अप्रॉक्सीमेटली डेली बेसिस पे एक से दो जनरल वीडियोस में बना रहा हूँ और आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो उससे आपके माइंड में टेंशन आएगी और एट द एंड ऑफ द डे आप चीज़ों को भूलोगे मैं आपको एक सिंपल एक सिनेरियो समझाता हूँ ठीक है अब जैसे आप सपोज करो आप खाली बैठो पांच दस मिनट खाली बैठो और एक लिस्ट बनाने की कोशिश करो कि क्या क्या काम मेरा अभी पेंडिंग है अगर आप शांति से बैठ के देखोगे ना इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि एक महीना दो महीना तो छोड़ो एक साल भी लेकर रहोगे तो भी वो पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं होनी है ना जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे होंगे जिनको मुझे देखना है आप अभी तक उनको देख नहीं पाए हो वो पेंडिंग है उसके बाद काफी सारे कुछ YouTube पे वीडियोस आपने देखे होंगे जिनको आपने मार्क करके रखा होगा कि ठीक है अभी बाद में देखेंगे और जब होगा तो मतलब उसके नोट्स बनाने हैं वो ठीक है उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स की रिविजन पेंडिंग होगी ठीक है और भी इतने सारे काम होंगे मैं बता नहीं सकता तो इतना जब सब कुछ इकट्ठा हो रखा है आप उसको कर नहीं सकते है ना तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि परफेक्शन इज नोवेयर अगर परफेक्शन होती तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक दुकान होती जो चल रही होती बाकी सारी दुकानें बंद हो जाती बात समझ रहे हो जैसे आप आप ब्रेड लेने जाते हो बटर लेने जाते हो जो भी सामान लेने जाते हो अपने घर के लिए तो अगर परफेक्शन होती तो सिर्फ एक ही दुकान होती बाकी सब ना चल रही होती तो हर एक दुकान की कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है अब जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो एक आदमी बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है तो आप उससे लोगे लेकिन उसका सॉफ्ट स्पोकन होना ये नहीं गारंटी करेगा कि बाकी सब दुकानें नहीं चलेंगी है ना अब फॉर एग्जाम्पल वो दूर है तो आप उस पर जाने पे कतराते हो आपको लगता है कि यार बहुत दूर पड़ता है जो पास है ले लेते हैं थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलता है पर कोई बात नहीं काम तो दे, कर देता है ना मेरा इसी से ले लेते हैं है ना और वही सॉफ्ट स्पोकन किसी के घर के पास होगा तो लोकेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया एंड सो ऑन तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज परफेक्शन इज नो वेयर तो आप परफेक्शन की तरफ तो जाओ ही मत जो हो रहा है जैसे हो रहा है करते जाओ विनर वो होगा

इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कैसा परफॉर्म किया इस बात से फर्क पड़ेगा कि टॉप हंड्रेड में, में नहीं आते कोई तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड है क्वेश्चन पेपर अगर आसान आया था तो बाकी लोग अच्छा परफॉर्म कर गए तो आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है तो एक रेस है तो इस रेस में आप भाग रहे हो बस तो अपने आप आराम से भागते चलो जो समझ में आ रहा है जैसा समझ में आ रहा है करते चले जाओ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है ओवर थिंकिंग मत करो कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ क्या करूँ एंड सोन नहीं कुछ नहीं है सब मन का वहम है न, सब कुछ आपको याद आएगा बिलीव में सब कुछ याद आएगा सिर्फ एक बार ही अपने माइंड से टेंशन निकाल दो और वो टेंशन निकालने का सबसे बेस्ट वे आउट है अपने आप से एक्सपेक्टेशंस करनी बंद कर दो टेस्ट पेपर देते जाओ सॉल्व हो रहे हो क्वेश्चन ठीक है नहीं हो रहे नोट्स खोल के पढ़ लो उनको देख लो और कर लो बस इट्स एज सिंपल एज दैट इस तरीके से चलो टेंशन फ्री रहो और ज़्यादा अगर तुम्हारे को लगता भी है तो अपने पेरेंट्स से बात करके समझा दो कि हाँ जी मेरी इस बार इतनी अच्छी तैयारी नहीं है या मेरी ऐसी तैयारी है और मेरे को ये सब फेस करने को मिल रहा है एंड ऑन वो ऑफ कोर्स आपकी बात समझ जाएंगे और आपकी काफ़ी हद तक टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो टेंशन हो रही है तो किसी से बांट लो ना भाई है ना किसी से शेयर कर लो लेकिन एटलीस्ट इस सब जो माइंड पे जो प्रेशर है उसको किसी तरीके से हटाओ बाय हुक और बाय क्रुक ठीक है उसको हटा दोगे तो जो तुम्हारे को मन में टेंशन आ रही है कि मैं भूल रहा हूँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है सब बंद हो जाएगा और बिलीव मी आपकी रैंक भी अच्छी आएगी सब कुछ ठीक ठाक चलेगा मैं बार बार समझा रहा हूँ विनर वो होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर गया जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाया वो विनर नहीं बनेगा बेशक से कितनी मर्जी नॉलेज हो बेशक से तुमने साल भर कितनी मर्जी मेहनत करी हो ये मैटर नहीं करेगा अगर तुम नर्वस हो गए अगर तुम परेशान हो गए तुम्हारे माइंड में टेंशन आई तो कुछ भी याद नहीं आएगा पेपर में पढ़ा पढ़ाया सब गलत करके आ जाओगे नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो जितना हो सके ठंडे रहने की कोशिश करो कूल हेडेड रहो जो होगा देखा जाएगा जस्ट अपना काम करते चलो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मैं बार बार समझाता हूँ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बस वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ और अपना काम करते चलो बस डेट सेट इससे अच्छी और कोई सिंपल सुपर बात नहीं है इसको अपने माइंड में फिट कर लो टेंशन निकाल दो टेंशन रहेगी तो फिर वही बात बार बार आता रहेगा कि ओहो मैं तो ये बोल रहा हूँ ओहो मैं तो वो बोल रहा हूँ एंड सॉन्ग तो बोलते जाओगे उसको कोई फायदा नहीं है है? तो समझ सबको मैं क्या हो जब ए आर वन टेंशन में है ए आई टू टेंशन में है थ्री टेंशन में टॉप टेन या टॉप हंड्रेड सभी के सभी टेंशन में है तुम अकेले थोड़ी हो सभी के सभी टेंशन में है क्यों क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे को हो गया बारह साल पढ़ाते मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो फिर मैं क्लियर कट खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने कोई टीचर नहीं बोलेगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं परफेक्ट मैं अभी भी पढ़ता हूँ अभी भी काम करता हूँ अभी भी मेहनत करता हूँ परफेक्शन नहीं है तो फिर तुम तुम खुद से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुम एक साल पढ़ के परफेक्ट हो जाओगे नहीं नहीं हो सकता ठीक है तो ये चीज सोचो ही मत किसी भी तरीके का कि हाँ सब सब परेशान है तुम अकेले नहीं हो कोई आइंस्टीन की औलाद थोड़ी है और हो भी रहा हो तो फिर कोई बात नहीं उससे भी कम्पीट कर लेना क्या हो गया वो अपने घर बैठे तुम अपने घर बैठे हो तुम अपना काम कर रहे हो वो अपना काम कर रहा है इट्स सिंपल एज दैट ठीक है तो, तो मतलब परेशान होने की बात नहीं है और कंपैरिजन किसी से मत करो उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं मेरे कम आ रहे हैं एंड सोन उससे आप और ज्यादा परेशान हो गए अपने कमरे में बंद रहो और अपना काम करते चलो बस इट्स ए सिंपल एज दैट और सर्कल एक ऐसा बना कर करके रखो इस टाइम पे जो आपकी हेल्प करे है ना ऐसे ऐसे फ्रेंड्स को गोली मार दो जो कहता है कि ओह तूने ये पढ़ लिया अच्छा तेरे को ये भी नहीं आता अच्छा तेरे को वो भी नहीं आता जो टेंशन देते हैं ना उनको उनको तुम टेंशन दे दो और अपना फ़ोन बंद कर दो उनके से उनके लिए ब्लॉक ब्लॉक लिस्ट में डाल दो ऐसे लोगों को ठीक है तो एक एक माहौल अच्छा बनाओ एक एन्वायरमेंट अच्छा बनाओ और उसके हिसाब से अपना काम करो ठीक है तो जो टेंशन देने वाले दोस्त हैं शूट करो उनको गोली मारो बात मत करो उनसे ठीक है जी चलिए आई होप समझ में आ गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट देना चाहते हैं ए तो अभी फिफ्टींथ ऑफ जनवरी को वो टेस्ट होगा आप वो दे सकते हैं कोड लगाना मत बोलना खुराना सर के एच यू आर एन एस आई आर इससे आप अगर आप कोड लगाएंगे तो जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस है वो भी आपके लिए ओपन अप हो जाएंगी ठीक है मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाते रहता है जो जो मुश्किल मुश्किल टॉपिक है जो जेनेटिक फंक्शन का टॉपिक है फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने स्पेशल क्लासेस लेकर आपको चेक कर सकते हो ठीक है पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है जब बना पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है एसक्यूएल अभी चल रही है एसक्यूएल भी कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद रेगुलर स्वेशन का रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी रेगुलर रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तो मतलब जो जो मैं हैंड पिक टॉपिक्स ले रहा हूँ जो जो टॉपिक मुझे पता है स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं उन उन टॉपिक तो पूरा डिटेल में जाता हूँ गेट के क्वेश्चन तक तो सारे सॉल्व कराता हूँ ठीक है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप वो भी सब चेक कर सकते हो तो कोड जरूर लगाओ खुराना सर उससे अनलॉक करो तो अन अकेडमी ऐप आप आपको डाउनलोड करनी है और कोड लगा खुराना सर उसके बाद मेरे सारे जो भी फ्री क्लासेस है वो आपको मिल जाएंगी और अगर आप पेड बैच में आना चाहते हो तो भी आप कोड लगा सकते हो खुराना सर के एच यू आर एन एस आई आर खुराना सर कोड लगाने से आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा और अभी थर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है बिलीव में ऐसे ऐसे ऑफर्स दोबारा दोबारा नहीं मिलते थर्टी परसेंट ऑफ आपको दोबारा नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो करवा लो एक साल में पूरा अच्छे से हम आपको बहुत मेहनत करेंगे मैं भी बहुत मेहनत करूंगा आपसे भी बहुत मेहनत करवाऊंगा और टॉप रैंक लाने में आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी अगर आप ये मेरा कोड लगाओगे तो ठीक है जी हाँ जी तो ए जरूर देना फिफ्टीन को ए देने से मतलब तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ये इससे तीन फायदे हैं बड़े बड़े सबसे बड़ा फायदा तो ये है आपको आपका लेवल पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं दूसरा गेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो पता लगेगा और तीसरी बात आपको ये पता लगेगी कैसे टाइम मैनेज है थर्ड विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इससे टाइम मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और टाइम मैनेज करना आ गया तो ये एक आर्ट है ठीक है गेट के पेपर के लिए एक आर्ट है तो अगर ये टाइम मैनेज करना आपको आता है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो पेपर में ठीक है नहीं तो कहीं ना कहीं आप फंसते रहोगे जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है जैसे आपने टीओसी बहुत अच्छे से पढ़ा ईगो पे ले लिया कि हाँ जी टीओसी के क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही करूंगा और उस पर कोई क्वेश्चन मुश्किल आ गया पंद्रह से बीस मिनट खराब कर दिया उसका कोई फायदा नहीं है एंड मोमेंट आ गया एंड टाइम आ गया दस से पंद्रह मिनट बचे और आपके दस क्वेश्चन रहते हैं अभी और आप उनको देख भी नहीं पा रहे ढंग से कर भी नहीं पा रहे पैनिक मोड में चले गए टेंशन में आ गए बट वो क्वेश्चन बहुत आसान थे आप उनको अटम्प्ट कर सकते थे तो इसलिए बेटर क्या रहता है मल्टीपल अटैप्शन पेपर को अटम्प्ट करना और वो वो सब बातें मैं आपको खैर पहले बहुत बार बता चुका हूँ ठीक है जी तो पहला अटेम्प्ट आपको एक घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है उसमें सारा फटाफट देखते जाओ जो जो क्वेश्चन हो रहा है अच्छी बात है करते जाओ जो नहीं हो रहा उस पर उसको मार्क करके आगे आगे बढ़ते चले जाओ टाइम पर मत करो ठीक है जो भी सीधे सीधे क्वेश्चन लग रहे हैं पहले उनको करो थोड़ा सा भी डेटा लग रहा है उसको छोड़ते जाओ ठीक है इस तरीके से पेपर अटैप्ट करना और ये सब चीजें आपको समझ में आएंगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से पंद्रह को अब अगला मॉक टेस्ट होना उसको जरूर देना कोड लगाना मत बोला खुराना सर के एच यू आर यानी एस आई आर ठीक है जी और पेड बैच में आना है तो भी आ जाओ मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा अठारह जनवरी से डिस्क्रिट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पेड बैच में ठीक है जी उड़ान बैच है और बुनियाद बैच है दोनों बैचेस में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साढ़े आठ बजे से साढ़े दस तक सुबह सुबह क्लास चलेगी आप लोगों की एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स की प्रॉपर डोज दे करके आपको कॉलेज भेजूंगा उससे आप पूरा दिन कॉलेज में आपके माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी जो जो मैंने पढ़ाया होगा तो एक प्रॉपर टाइम के साथ हम चलेंगे तो बहुत अच्छे से हम काम कर पाएंगे सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा मंडे टू फ्राइडे हम फाइव डेज क्लासेस चलाते रहेंगे ठीक है लाइव पढ़ने का मजा बहुत ज़्यादा लगेगा है बिलीव मी लाइव पढ़ोगे मुझसे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और बहुत मजा भी आएगा और एक एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगा ठीक है जी चलिए ओके थैंक यू सो मच बाय बाय